हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हार्ट ऑन स्किल सेंटर यमुनानगर, सेंटर कोड 034। स्टूडेंट्स, दो सेगमेंट्स में इसको कवर कर चुके हैं। अभी इसके आते हैं थर्ड पार्ट पे। सी द टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड द नेक्स्ट कम्स विद यस ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस। ये हमारे फोर टाइप्स थे, यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है। ये थोड़ा सा अभी ब्लर आ रहा है, नो इशू, हम इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं और इसका जो क्लियर में पीडीएफ है वो आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस कि इसको क्यों लाया गया। टू सपोर्ट एंड सिंप्लीफाई गवर्नेंस फॉर गवर्नमेंट, सिटीजंस एंड बिजनेस। अब हमारे जो गवर्नेंस है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज हैं, इसके साथ उनके सिटीजन्स के साथ, बिजनेस के साथ, उनको सिंप्लीफाई करना। अब देखिए, आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई काम शुरू किया तो और अगर हमें वो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो हम उसके ऑल्टरनेटली ढूंढते हैं। डेफिनेटली आप उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे पहले लैंडलाइन हुआ करते थे, ठीक है, फिर कीपैड वाले फोन्स आए, फिर उसके बाद स्मार्टफोन्स आए, तो चीजें क्या हो रही हैं, सिंप्लीफाई हो रही हैं, डिजिटलाइज्ड हो रही हैं, तो दैट मींस हम बहुत एक इजी टोन में जा रहे हैं। ऐसे ही अब ऐसा तो नहीं है कि जो चीज एक बार बन गई, मान लो अब लैंडलाइन थे तो वही ट्रेंड अब तो नहीं चलता आ रहा ना कि सबके पास लैंडलाइन ही हो, उसी वे में चलते जाए। नो, कम्युनिकेशन पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, लेकिन बहुत एडवांसमेंट्स के साथ। अपडेशन हर चीज मांगती है, ठीक है, अगर आपने जैसे स्मार्टफोन दिया तो मान लो आपका सैमसंग का है तो उसमें भी आए दिन आपको आता है सॉफ्टवेयर अपडेट अपडेट अपडेट, चाहे उसके सॉफ्टवेयर हो चाहे वो आपका हैंडसेट हो, तो वो अपडेशन, वो एडवांसमेंट, वो एनहांसमेंट, उनकी जब हम बात करते हैं तो ये हर जगह अप्लीकेबल होती है। आपकी छोटी चीज से लेके पर्सनल लाइफ से लेके कमर्शियल तक, प्रोफेशनल लाइफ तक और आगे वर्ल्ड वाइड। तो इसी तरह से मैंने कुछ ज्यादा बड़ा एग्जांपल ले लिया, खैर हाँ, तो हम कहाँ थे, यस, गवर्नेंस। तो जितनी हमारी, अब जैसे लोगों को कितनी दिक्कत आती थी, भीड़ में लगना पड़ रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, काम धंधे छोड़ के बैठे हैं, इनफैक्ट कई कई लोगों को तो चेक लगवाने के लिए ना, जैसे उनकी ब्रांचेस दूर है तो अपनी ऑफिस की छुट्टी लेनी पड़ती थी कि नहीं अगर हमें कोई चेक मिला है तो हम कल ऑफ लेंगे, लाइन में लगेंगे, बैंक में लगवाएंगे, काइंड ऑफ सो मेनी things, so many complexities people were facing. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अब वो इजी मोड पे ले आए हैं और आने वाले टाइम में शायद ये और ज्यादा एडवांसमेंट में है। और क्योंकि ये चीज चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि आज हम ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं जिसमें चीजें डिजिटलाइज्ड हैं तो आगे ये यही रहेंगी, नो, अपडेशन इनमें भी रहेगा। तो इसी तरह से ये चीजें जो गवर्नेंस है उसको सपोर्ट करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए जो है हमारा ई गवर्नेंस ये मार्केट में आया है। नेक्स्ट आते हैं, टू मेक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल व्हाइल एड्रेसिंग द सोसाइटीज नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस थ्रू एफिशिएंट पब्लिक सर्विस एंड एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि वहां पे जितना भी एडमिन का काम होता है, गवर्नमेंट जैसे उसको मैनेज करती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि कोई आप काम कर रहे हैं तो उस काम को करने के जिम्मेदार आप हैं, कोई उस काम में दोराही नहीं है कि ये काम ऐसे हुआ, किसने किया, अब एक काम को करने वाले चार बंदे हैं तो हम उसको अकाउंटेबल किसको ठहराएं, जिम्मेदार किसको ठहराएं। तो इंडिविजुअली आपकी जैसे अब आधार है सबके पास, ओके, तो हर एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी होती है, रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें आपके थ्रू की हुई हर एक एक्टिविटी के जिम्मेवार आप खुद होते हैं और आपका जो किया गया काम होता है वो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे डिस्प्ले होता है कि वो ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी। जितना ट्रांसपेरेंट होगा उतनी अकाउंटेबिलिटी आपकी क्लियर होगी, जिसमें आप क्या एड्रेसिंग दैट मींस कि जिसमें सोशल सोसाइटीज नीड है, एक्सपेक्टेशंस,
तो जितना भी समाज को लेके, लोगों को लेके जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, उनकी नीड्स हैं, उन सबको फुलफिलमेंट करने के लिए वी आर यूजिंग अ पर्टिकुलर वेबसाइट और अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू फुलफिल दैट. अब गवर्नमेंट पोर्टल बहुत हैं, अभी जैसे .nic.in है, जैसे हम हरियाणा के कुछ पोर्टल्स की बात करें, ओके. और ये जो इस तरह से इनकी जो रिकग्निशन है दैट इज क्वाइट डिफरेंट. अब जैसे इनकम टैक्स का है incometax.gov.in, government.in, तो इनके वेबसाइट से आपको पता लग जाता है कि आप कौन से पोर्टल पर काम कर रहे हैं. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आते हैं टू रिड्यूस करप्शन इन द गवर्नमेंट. डेफिनेटली जब चीजों में ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, तो करप्शन अपने आप चली जाती है. अब कहते हैं ना करप्शन, कितना हर जगह करप्शन हो गया, करप्शन हो गया. अगर एक बंदा अपने किए हुए काम की जिम्मेदारी ले रहा है कि नहीं ये गलत हुआ है, ये सही हुआ है, मुझसे ही हुआ है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ली, और आपने जो हरकत की या एक्टिविटी की उस गवर्नमेंट काम से रिलेटेड, उसमें ट्रांसपेरेंसी भी तो दिखाई, जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट में अभी भी डिस्कस किया था, दिस वन ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल. तो उसमें जैसा उसने किया वही उस पोर्टल पे शो हुआ, जो किया वही दिखा है, और जो दिखा है उसी की जिम्मेवारी वो ले रहे हैं. यस यस और नो, ये हुआ है, यस ऐसे हुआ है. तो जब चीजें बिल्कुल सच्चाई के साथ चलती हैं तो उनमें करप्शन होती नहीं है. करप्शन कहाँ होती है? जहां झूठ होता है, जहां कपट होता है. अब जहां ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ गई तो वहां पर करप्शन नहीं आती. बट कहने वाले फिर भी कहते हैं कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, गवर्नमेंट कोई भी हो, करप्शन फिर भी रहने रहनी है ई गवर्नेंस में भी. द थिंग इज कि गवर्नमेंट, आप देखें उस चेयर पे कोई भी बैठ जाए, गवर्नमेंट उस पीएम की चेयर पे कोई भी बैठ जाए, वो अपनी तरफ से अच्छा सोचेगा, लेकिन जो नीचे वाली पार्टीज होती है ना, वो उस गवर्नमेंट के दिए गए फंड का या उनकी दी गई उस बेनिफिट चीज का जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है, उसमें नीचे फिर घपला वो करते हैं. क्योंकि हम लोगों का जो मेंटेलिटी, जो वो हम लोग वी आर द सिटीजंस, हम करप्शन उसमें लेके आ रहे हैं कि नहीं ले दे के कर लो. अब आपके माइंड में ये सोच आई तो आगे वो डिपार्टमेंट उसके बारे में सोचा, डिपार्टमेंट ही कभी आपको देगा कि ले दे के कर लो काम. ये हम आम बंदों में आती है. जब अवेयरनेस कॉमन मैन में हो ना, यानी कि हम आम जनता में, इनमें अवेयरनेस हो ना गवर्नमेंट के लिए, आप ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, गवर्नमेंट अपना काम बहुत अच्छा करती है, लॉयल्टी दोनों तरफ से चलती है. इसीलिए अभी लोग कहते हैं नहीं फॉरन अच्छा है, इंडिया अच्छा नहीं है, वहां पे हर तरह की फैसिलिटी है, गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है लोगों को, वहां पे जो वो कहते हैं ना कार्ड्स बने हुए हैं, कैशलेस इकोनॉमी है. तो द थिंग इज, अब ई गवर्नेंस यहाँ पे आया बाद में आया, बाहर तो ये चीज कॉमन है, हम तो इसको बहुत उसमें स्पेशलिटी में ले रहे हैं. नहीं नहीं ई गवर्नेंस है, डिजिटलाइज्ड है चीजें. वहां पे जो ऑनेस्टी है ना लोगों की गवर्नमेंट के साथ, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है. वो ऐसा नहीं है कि हाँ ऑनेस्ट हम गवर्नमेंट के लिए हैं, बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, हम देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और अंदर ही अंदर वो पैसा खा रहे हैं, ये वहां पे नहीं है. अगर आपको चीजें स्मूथ मेंटेन करनी है, इसे कहीं पे भी एप्लीकेबल करके देखो, अपनी घर की लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक, या वर्ल्ड वाइड अपनी जो प्रोफेशन या गवर्नमेंट के साथ लिंक या आपके पर्सनल लिंक्स कहीं भी लगा के देखो. अब एक बंदा करप्शन करी जाए और दूसरा लॉयल्टी दिखाई जाए, रिजल्ट तब भी नहीं आते. तो इसी तरह से वहां के जो कॉमन पीपल है, दे ट्रीट गवर्नमेंट लाइक द हेड ऑफ द फैमिली. तो उनकी जो सरकार है, ये चीजें हमारे भी हो रही हैं. इट डजंट मीन दैट आई एम क्रिटिसाइजिंग माय कंट्री, इट डजंट मीन, आई एम जस्ट सेइंग कि दैट वी आर ऑन अ दैट डेवलपिंग स्टेज जहां पे हम शायद उस प्लेटफॉर्म के बिल्कुल इक्वल आने को है कि जो जो लोग यहाँ पे सपना देखा करते हैं कि नहीं हमारा देश वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए जैसे वो करते हैं. अब गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छे बना दिए, हम जनता को ये फैसिलिटी देंगे, वो फैसिलिटी देंगे, कार्ड्स बन रहे हैं, वो परिवार पहचान पत्र बन रहे हैं, और कितने इंश्योरेंस कार्ड्स बन रहे हैं, और गवर्नमेंट हर तरह के स्टाइपेंड्स दे रही है.
गवर्नमेंट ऊपर से लॉन्च कर रही है, पर जब हमारे पास वो चीजें आने लगती हैं, ये नीचे से मोल्ड होती है। क्या हम उस चीज का ठीक बेनिफिट ले रहे हैं? नहीं, हम उनको पहले ही ऑफर कर देते हैं, ले दे के कर लो, हमारा नंबर पहले लगा लो, ये बाद में गवर्नमेंट के साथ मिलके चलेंगे, शायद वो भी अपना नहीं करेंगे। अब बच्चे होते हैं ना आपस में, वो एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते हैं, छल कपट कर देते हैं, पेरेंट्स को देता कभी करते हुए नो। यही चीज, ये जो थॉट, ये जो सोच है, ये अगर जो फैमिली वाली जो सोच है, ये आपकी समाज या गवर्नमेंट के साथ भी आ जाए तो शायद स्थिति बहुत अच्छी बन सकती है। कि आप बच्चे आपस में या आपके सिबलिंग्स या छोटे छोटे जितने भी कजन्स लगा लो, ठीक है, वो आपस में जितना मर्जी झगड़ा करें, एक दूसरे की जेब काटें, लूटपाट करें, बट पेरेंट्स उस केस पे नहीं करते। इफ यू चिल्ड्रन आर लॉयल टू योर पेरेंट्स, देन यू कैन टेक मोर देन 100% एडवांटेज ऑफ दैट बेनिफिट्स दैट यू आर गोना रिसीव फ्रॉम योर पेरेंट्स। द सेम थिंग हैपेंस विद द कॉमन मैन एंड द गॉड। आई थिंक मैंने एग्जाम्पल फिर से ज़्यादा बड़ा नहीं लिया। हमारे जूम क्लास कितने 30 मिनट्स 40 मिनट्स तक जाती है। चलिए ट्रैक पर वापस आते हैं। तो नेक्स्ट था टू इंश्योर स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। तो जितना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में काम हो रहा है वो बहुत स्पीडली हो रहा है। जहाँ पे ई वर्ड लग गया ना, जैसे मेल था ई लगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल पासली हो गया, गवर्नेंस है ई लग गया, ई गवर्नेंस। तो जहाँ पे ई लग गया ना इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ पे चीजें फास्ट ही होती हैं। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस डिफिकल्टीज फॉर बिजनेस, प्रोवाइड इमीडिएट इंफॉर्मेशन एंड इनेबल डिजिटल कम्युनिकेशन बाय ई बिजनेस। व्हाइल ई गवर्नेंस प्रोवाइड्स द एडवांटेजेस ऑफ convenience, efficiency, transparency, and it also has problems associated with it. यहाँ पे ना हमारे ई गवर्नेंस के कुछ ड्रॉबैक्स आने लग जाते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। हमारे जो यहाँ तक थे ना, ये हमारे क्या थे ऑब्जेक्टिव्स, कि बिजनेस की डिफिकल्टीज हैं वो भी कम हो रही हैं, इमीजिएट इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं, ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन से आपका ई बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स, इफ द पॉइंट्स आर लेंथी देन वी मस्ट कंटिन्यू दीज पॉइंट्स इन नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, फिर आपको पता है मेरे एग्जांपल्स बहुत बड़े बड़े जाते हैं। ऐसा करते हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं और ई गवर्नेंस इन इंडियन कंटेक्स्ट है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ओके, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से एग्जांपल हैं। और हमारा पहला वाला लेक्चर था तो एक टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस, थोड़ा सा लेंथी चला गया। एनीवेज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके ड्रॉबैक्स के साथ। अभी के लिए इतना करके देखेंगे। थैंक यू।